इस समय हमारी ट्रेन पहुंच रही है गोमती नदी के रेल ब्रिज पर और आज की वीडियो में हम अपडेट देने जा रहे हैं बिलकुशा केबिन से लेकर लखनऊ चार बाग तक जो तीसरे एवं चौथे रेल लाइन का काम चल रहा है उस पर आपको ताज़ा अपडेट देंगे। फिलहाल सामने देखिए ये हमारा जो गोमती नदी के किनारे गोमती रिवर फ्रंट बना हुआ है उसका थोड़ा सा लोकेशन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, और जूम करने पर जितना व्यू आ रहा है मोबाइल में हम आपको उतना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जलस्तर कम हुआ है क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है। जिस तरह से बारिश की शुरुआत हुई थी उस तरह से इस समय विराम लगा हुआ है बारिश पर, और हमारी ट्रेन गोमती नदी पर रुक चुकी है क्योंकि सामने से मालगाड़ी जा रही है उतरेठिया जंक्शन की दिशा पर, तो यहाँ पर क्रॉसिंग बन जा रही है और इसके बाद अब हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है क्योंकि जो ट्रेनें हमारी बाराबंकी की दिशा से आती हैं लखनऊ चार बाग के लिए वो तो यहाँ पर भी क्रॉसिंग की समस्या बन जाती है और आउटर पर ट्रेनों को खड़ा रहना पड़ता है बिलकुशा केबिन के, तो इसी समस्या को समाप्त करने के लिए अब यहाँ पर तीसरी एवं चौथी ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। और जैसा कि हम आपको बता दें कि उतरेठिया जंक्शन से लेकर बिलकुशा केबिन तक जो डबल ट्रैक है इसकी संख्या बढ़ाकर 3 किया जाएगा और जो तीसरा ट्रैक है वो बिलकुशा केबिन से लेकर उतरेठिया जंक्शन तक डाला जाएगा। उसके बाद उतरेठिया जंक्शन से लेकर लखनऊ चार बाग तक टोटल जो दो ट्रैक हैं इसकी संख्या बढ़ाकर 4 की जाएगी और एक ट्रैक दाहिने साइड और दूसरा ट्रैक बाएं साइड पर डाला जाएगा वर्तमान समय में जो डबल लाइन है। फिलहाल हमारी ट्रेन बिलकुशा केबिन के पास पहुंच चुकी है और ये लेवल क्रॉसिंग आने वाली है, तो यहीं से शुरू हो जाता है हमारी जो तीसरी एवं चौथी रेल लाइन का काम है उसका प्रोजेक्ट यहीं से शुरू हो जाता है। फिलहाल हम आपको आज दाहिने साइड पर व्यू दिखाएंगे और बाएं साइड का व्यू उसकी क्या पोजीशन है किसी वीडियो के माध्यम से हम फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये सामने देखिए बिलकुशा केबिन और यहाँ से ट्रैक को चेंज किया जाता है। जब लखनऊ चार बाग से कोई ट्रेन आती है तो उसको अपनी अपनी दिशा में भेजा जाता है, जैसा कि लखनऊ चार बाग से बिलकुशा आने के बाद एक ट्रैक चला जाता है बाराबंकी होते हुए गोंडा गोरखपुर और अयोध्या अकबरपुर की तरफ, वहीं बिलकुशा केबिन से एक ट्रैक चला जाता है उतरेठिया जंक्शन, और उतरेठिया जंक्शन से फिर एक ट्रैक चला जाता है सुल्तानपुर, और दूसरा ट्रैक चला जाता है रायबरेली प्रतापगढ़ की दिशा में। फिलहाल यहां पर देखिए यहां पर जो आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं इस पे तार की घेराबंदी की गई थी, लेकिन यहाँ पर अब बीच बीच में आप देख सकते हैं पिलर गायब हो चुके हैं और जो रेल बेड बनाया गया था इसकी साफ़ सफाई की गई थी उस पर फिर से घास फूस उगाई है, और इसके आगे का व्यू आपको दिखाएंगे जो ओवरब्रिज का काम चल रहा था रोड ओवरब्रिज का, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि ये रोड ओवरब्रिज का काम पूरा कर लिया गया है और अब यहाँ पर ज़्यादा कोई बाधा नहीं आएगी हमारा जो रेल बेड बनाने का काम शुरू होगा। बगल में दीवार का निर्माण कार्य भी कर लिया गया था लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगाई हैं। ऊपर के साइड में देखिए हमारा रोड ओवरब्रिज बनकर तैयार है पीछे की तरफ शिफ्ट करके, और जो ये पुराना रोड ओवरब्रिज है इसको तोड़ा जाएगा क्योंकि दोनों तरफ ट्रैक आएंगे तो यहाँ पर जगह पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और ये जो रेलवे कॉलोनी है ये भी सभी टूटेंगी। इसके बाद में यहाँ पर भी रेल बेड बनाया जाएगा, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप पर्याप्त मात्रा में जगह है तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे यहाँ पर जो आप घास फूस देख रहे हैं यहाँ पर रेल बेड को बनाया गया था, बाकायदा यहाँ पर जो महीन गिट्टी है उसको भी बिछाया गया था, लेकिन बारिश शुरू होने के बाद यहाँ पर फिर से जंगल झाड़ियों का कब्जा हो चुका है। और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अब सदर आउटर पर, और यहाँ पर हमारी ट्रेन की रफ्तार स्लो हो चुकी है क्योंकि आगे सिग्नल नहीं है और किसी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा होगा लखनऊ चार बाग से, तो यहाँ पर हमारी ट्रेन आउटर पर खड़ी रहेगी जब तक उधर होम सिग्नल नहीं मिलता है इस ट्रेन को।
यहाँ पर आवश्यकता बहुत है जो ट्रैक की संख्या है उसको बढ़ाने के लिए। इसके बाद यार्ड की रिमॉडलिंग भी बहुत ज़रूरी है लखनऊ चार बाग में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब किसी नए ट्रैक का निर्माण कार्य होता है तो हर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग करके जो दो नए ट्रैक आएंगे उसको सभी ट्रैक तक ले कनेक्ट किया जाएगा और सभी प्लेटफार्म पर ट्रेन जा सकें, इसके लिए यार्ड की रिमॉडलिंग की जाएगी। और जब यहाँ पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम होगा तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, क्योंकि लखनऊ चारबाग यहाँ पर टोटल प्लेटफार्म की संख्या 9 है और 9 प्लेटफार्म के साथ ही जो गुड्स ट्रेन का ट्रैक है उससे भी इस ट्रैक को कनेक्ट किया जाएगा, तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। हालांकि जैसे बाराबंकी में यार्ड रिमॉडलिंग का काम हुआ था तो वहां पर 1 महीने से ऊपर काम चला था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लखनऊ चारबाग में जब यार्ड रिमॉडलिंग का काम होगा तो यहाँ पर भी लगभग 1.5 से 2 महीने का समय आसानी से लग जाएगा। इसके साथ ही दिलकुशा केबिन के पास भी यार्ड रिमॉडलिंग का काम होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो ट्रैक आपको बगल में दिख रहा है इस ट्रैक को अटैच किया जाएगा, जो हमारा नया ट्रैक डाला जाएगा। और बगल में ये नई वाशिंग लाइन बनी हुई है लखनऊ चारबाग से पहले। यहाँ पर कुछ पुराने कोचेस खड़े हैं और वहीं कुछ कैंपिंग कोच भी खड़े हैं। इसके साथ ही जो रिपेयरिंग के लिए यहाँ पर कोच आए हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। कई जनरल के डिब्बे एवं स्लीपर के साथ साथ एसी के कोचेस भी खड़े हैं। इसके बगल में जो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है ये हमारी डाउन लाइन हो जाएगी, और उसके बगल जो घास फूस में ट्रैक है इसको अपग्रेड किया जाएगा। और जब चौथा ट्रैक पड़ेगा तो इसी ट्रैक को अपग्रेड करके आगे कनेक्ट किया जाएगा लखनऊ यार्ड से। फिलहाल सामने से हमारी लखनऊ से प्रयागराज जाने वाली स्पेशल पैसेंजर का यहाँ चारबाग से डिपार्चर हो चुका है और ये ICF के कोचेस से संचालित हो रही है। टोटल 6 या 7 डिब्बों की ये ट्रेन है और इसका डिपार्चर हुआ है, तो इसी ट्रेन के कारण हमारी ट्रेन अभी यहाँ पर रुकी हुई थी आउटर पर, और इसके डिपार्चर के बाद हमारी ट्रेन अब आगे की दिशा में बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो तीसरी एवं चौथी लाइन का कार्य होना था वो बारिश के कारण रुका हुआ है, और अब जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होगा तो यहाँ पर कार्यों को फिर से शुरू किया जाएगा। फिलहाल आज की अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।